यतोमत ततोपत। कोई बोले अच्छा अच्छा अगर मेरे को पहुंचना है ऑस्ट्रेलिया तो कैसे पहुंचेंगे, कहते यतोमत ततोपत, जिस रास्ते से निकलना है निकल जाओ, सब रास्ते ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। वो निकल गया, एक अंटार्कटिका निकल गया, वो पहुंच गया अलास्का पहुंच गया, वो पहुंचेगा ऑस्ट्रेलिया नहीं, सारे रास्ते ऑस्ट्रेलिया नहीं जाते, मेरे को यहां से मायापुर जाना है, तो सब रास्ते गंगा नदी की इसका निकल जाओ तो भी मायापुर, इस तरफ निकल जाओ तो भी मायापुर, उस तरफ निकल जाओ मायापुर, यहां निकल जाओ मायापुर, ऊपर निकल जाओ मायापुर, नीचे निकल जाओ मायापुर, सब रास्ते मायापुर जाते हैं। जतो मत ततो पथ, जो आपने कहा है जतो मत ततो पथ, इसको भी मैं थोड़ा अपने दृष्टिकोण से बताने की कोशिश करता हूँ भगवान कि देखिए हमारे भारत एक अद्भुत देश है, एक अद्भुत वैचित्र्यमय देश, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे भगवान को मानने वाले, इतने सारे साधुओं को मानने वाले, योगियों को मानने वाले, अलग अलग दिशाओं के अलग अलग लोग हैं, है ना। भगवान ने तो ये जानबूझ के ही बनाया है ना। अगर भगवान को लगता कि यहाँ पे उनकी विश्वरूप की ज़रूरत नहीं है तो फिर वो तो अकेले ही आते। जतो मत मतलब अलग अलग मत, कोई महादेव को मान रहा है, महादेव की मत को मान रहा है, तो कोई हनुमान जी के मत को मान रहा है, कोई कृष्ण भगवान के मत को मान रहा है, तो कोई विट्ठल देव की भगवान को मान रहा है, कोई स्वामीनारायण को मान रहा है, तो कोई भगवान के निराकार रूप को मान रहा है, तो ऐसे अलग अलग बहुत अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से भगवान को मान रहा है। लेकिन भगवान को भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है, रास्ता चाहे जितना भी हो पहुँचना तो वही है, एक ही जगह पर पहुँचना है, उनके पास ही पहुँचना है, वो जतो मत ततो पथ, इस लेवल से, ना कि ऑस्ट्रेलिया जाना है, मायापुर जाना है। हमारे जीवन का उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया और मायापुर में जाना नहीं है, हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है, प्रभु के चरणों तक जाना। और चाहे आप भारत के किसी भी प्रांत में रहो, भगवान उस प्रांत के सुविधा के हिसाब से, माहौल के हिसाब से उन्होंने रूप लिया है। कहीं पे उन्होंने नंगा रूप लिया है, तो कहीं पे उन्होंने सोने से ढका हुआ रूप लिया है, कहीं पे उन्होंने पत्थर का रूप लिया है, तो कहीं पे उन्होंने मिट्टी का रूप लिया है, कहीं पे पेड़ों का रूप लिया है, अलग अलग रूप लिया है, अलग अलग मत से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि इस्कॉन वाले सही है तो सद्गुरु गलत है, तो ये गुरु नानक गलत है या फिर साईं बाबा गलत है, नहीं, सब सही है, ये सब भगवान का ही लीला है। आपको इजीएस्ट तरीके से समझाने के लिए उन्होंने इतना सारा रूप लिया है, इतना सारा मत दिया है, चलना एक ही जगह पे है, हम सभी को एक ही जगह पे चलना है। तो श्री रामकृष्ण जी ने उस हिसाब से उस बात को रखा था कि जतो मत ततो पथ। हम वही गलती बार बार कर रहे हैं कि हम एक दूसरे के ऊपर ऐसे, अगर हम उंगली नहीं उठा रहे, पता है कि हम किसी को छोटा बड़ा नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका जो स्टेट ऑफ मैच्योरिटी है, आप किसी को छोटा बड़ा करते नहीं हो, लेकिन बहुत सारे लोग आप जितना मैच्योर नहीं है, आप जैसा लिबरेटेड नहीं है, तो उनको ये दिल पे चुभ जाता है बहुत। आप 5 ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत लोग हैं अपने भारत में जो श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद को भगवान ही मानते हैं, है ना, तो उनके दिल में ठेस पहुंच जाता है, अगर आपके शब्दों से उनके दिल में ठेस पहुंच जाए तो। लेकिन आपने उनको ठेस पहुंचाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, ये मुझे पता है, है ना। तो उन लोगों के बारे में सोचते हुए और आपके बारे में भी सोचते हुए, क्योंकि आपके माध्यम से, आपकी वाणियों के माध्यम से, आपकी कथा के माध्यम से भगवान ने मुझे बहुत कुछ समझाया है, बहुत कुछ दिखाया है, तो मैं आपको बिल्कुल छोटा नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि आपका दर्जा उन लोगों में भी मैं ऊपर कर दिया, आपका सिंहासन उन लोगों के सामने भी मैं ऊपर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सभी जितने सारे दर्शक भगवान हैं, मैं सभी को विनम्र निवेदन ये करता हूँ, ना वो गलत थे ना ये गलत है, है ना। हर समय का कुछ खूबियाँ होती है, कुछ कमियाँ होती है, है ना, तभी तो हमारा ये एवोल्यूशन होता है, धीरे धीरे हम उन्नति की स्तर पे जाते हैं, कि जो हमें ज़रूरत नहीं है वो हम वहीं पे छोड़ देते हैं, और जो ज़रूरत है उसको लेके आगे बढ़ते हैं, है ना। पहाड़ में ट्रेकिंग किया होगा आप लोगों ने, बैग बहुत भारी होता है, तो जो ज़रूरत मत सामान है उसी को हम बैग में रखते हैं, और जो ज़रूरत की चीज़ नहीं उसको हम फेंक देते हैं, तो हमारा पीठ, हमारा बोझा हल्का हो जाता है। ज़िंदगी भी यही है, इतिहास भी हमें यही कहने की कोशिश कर रहा है कि जो ज़रूरत नहीं है, है ना, उनको वहीं पे छोड़ दो, फूफू अभी के लाइफ में, हमारे ज़िंदगी में फूफू की ज़रूरत नहीं है, तो इसको करना ही नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने तो फूफू किया था, क्योंकि किया था तो किया था, वो उन टाइम पे उनकी है, लेकिन हमें ये ज़रूरत नहीं है, यही तो समझदारी है, हमें इतिहास से सीखना है, हमें इतिहास को लेके तोड़ना मरोड़ना भी नहीं है, समालोचना भी नहीं करना है। भारत को स्वामी विवेकानंद भी चाहिए, प्रभुपाद जी भी चाहिए, इस्कॉन भी चाहिए, बेलूर मठ भी चाहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब अपने अपने जगह पे रह के अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो प्रभु के निर्देश से, ये सब प्रभु का लीला ही हो रहा है। अगर हम उस लीले में फंसे रहे, स्वामी विवेकानंद जी ने क्यों सिगरेट पिया था, राम ने क्यों अपना पत्नी को छोड़ा था, ये देखने का उद्देश्य हमारा नहीं है, वो इतिहास ही है, वो चला गया है। क्या हम सिगरेट पी रहे हैं, क्या सिगरेट हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, क्या हम अपनी पत्नी को छोड़ रहे हैं, अपनी पत्नी को मार रहे हैं, क्या वो हमारे संसार पे ठीक है, हमें ये देखना है, हमें अपने ज़िंदगी ठीक करना है। तो भगवान, आप लोग मुझे गलत मत समझिएगा, मैंने बस अपना दृष्टिकोण से इस चीज़ को समझाने की कोशिश की है, और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये भगवान ने आप लोगों के सामने कुछ बात रखने का मौका दिया, मैं बहुत आभार हूँ आप लोगों के ऊपर, और
भगवान के ऊपर और भगवान के लिए मेरी जिंदगी हमेशा समर्पित है, समर्पित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।